प्रणाम पितामह। आओ पुत्र, आओ। विजयी भव वत्स, विजयी भव। हम यहां आशीर्वाद लेने नहीं आए पितामह, हम तो अपनी आंखों की ओर से यह आभार प्रकट करने आए हैं कि उन्हें रणभूमि में परशुराम शिष्य भीष्म के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो अपने शरीर की ओर से आभार प्रकट करने आए हैं कि हमारे शरीर को आपके वाणों से खाओं का प्रसाद मिला, किंतु हमें कोई आशीर्वाद न दीजिए पितामह, कोई आशीर्वाद न दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो वत्स, क्या कह रहे हो? क्या मुझसे आशीर्वाद न लेने का अर्थ यह है वत्स कि तुम मेरी गिनती शत्रुओं में करने लगे? हम ये पाप कभी नहीं कर सकते पितामह, किंतु हम आपसे विजय श्री का आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहते। पर क्यों पुत्र, क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते पितामह कि आपका आशीर्वाद अपराधियों की भांति हमारे सामने सिर झुकाए खड़ा हो, क्योंकि हमारी विजय और हमारे बीच में स्वयं आप खड़े हैं पितामह, स्वयं आप। हाँ पुत्र, तुमने ठीक कहा है, तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच में खड़ा तो अवश्य, पर विवश हूं पुत्र, बीच से हट नहीं सकता। ना तो मेरी पराजय संभव है, ना ही वध। जब ही तो वासुदेव ने कहा कि युद्ध के पहले दिन जो आपने आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद मैं आपको लौटा दूं। अच्छा अच्छा, तो ये वासुदेव ने कहा है, उनसे कहना पुत्र मैं दी हुई वस्तु वापस तो नहीं ले सकता, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों न हो। किंतु पितामह, मेरा बाण काटो पुत्र, मेरा धनुष काटो पुत्र, मैं अति प्रसन्न होऊंगा। और मेरी बात न काटो, ये काम दुर्योधन के लिए छोड़ दो। क्षमा चाहता हूं पितामह। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। क्या कह रहा था मैं? हाँ, माधव से जाकर कहना इतनी हुई वस्तु में वापस तो नहीं ले सकता, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। उससे जाकर यह भी कहना कि वो तो भली भांति जानते हैं कि अंत में जीत तो उन्हीं की होगी, क्योंकि वही आरंभ है, अंत भी वही और मध्य भी वही। वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच से इस गंगा पुत्र भीष्म को हटाने का उपाय क्या है। यदि कोई नारी सामने आ जाए तो यह परशुराम शिष्य अस्त्र को हाथ नहीं लगाएगा। फिर इस निहत्थे को रणभूमि से हटाने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं होगी प्रिय अर्जुन? किंतु रणभूमि में नारी कैसे आ सकती है पितामह? यह तो क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। वासुदेव ने तुम्हें जो कुछ पूछने को कहा था प्रिय युधिष्ठिर, मैंने वो बता दिया। अब मर्यादा का यह प्रश्न लेकर तुम उसी के पास जाओ। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव।